मैं श्रेय दिशा और धन लाभ दिन प्रभाव दिन फॉरवर्ड दे साथ में एक्सिस्टी प्रभाव दिन पानी व सदर कानपाय प्रभाव दिया असमय प्रभाव दिया प्रभाव दिया वन थर्ड वर्स रोजे दो तारीख सितंबर बामकाम साजा हरी नवाज ये बारगाह में आहार का एक नूर हमें बिल्कुल बारगाह के अंदर सरकार के रोजे के पास आज जो है मनखबती मुशायरा था जिसके अंदर हिंदुस्तान के कई मशहूर और मारूफ शोरा शामिल रहे। ये बिलखसूस शोरा में जो है खालिद नदीम पदावानी दिलकर झलानवी अत्या बेजाज हैदराबाद और जहूर जहराबादी और अरशद रशीद और दिगर शोरा जो है अमन है और मुसामी शोरा भी देखी मुशारा हुआ बड़ा कामयाब रहा और अलहमदिल्ला मजबत खुदाबिया मैं कई बारगाहों में अलहमदिल्ला मैं मुशारा करती रहती है और जो खसूस पहली मरतबा जो है बारगाह हजरत गरीब नवाज में मौका मिला हजूर गरीब नवाज में मुशारा करने का मौका मिला इसका मैं बहुत बेहदिल से बिलखसूस इन्हें हजरत ख्वाजा सैयद अफसर बाबा से मैं बहुत है शुक्रगुजार हूँ उनका कि अगर वो ना होते तो शायद ये कामयाब नहीं होता था। तो उनकी साजिशों से उनकी मेहनत से जो है आज ये रंग लाया ये जो मुशायरा जो है मनसवती मुशायरा रंग लाया बड़ी खुशी हुई और इस जन्नत खास इस मुशायरे के अंदर जो है इस जलसे के अंदर जलसे उर्दू गरीब नवाज के अंदर जो है एहसास भी था आज का जुमनातिया मनखबती मुशायरा ही नहीं बल्कि जश्न हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मनाया गया बज़्म में तुरागिया बेंगलोर खानखा में तुरागिया बेंगलोर खानखा है वेलफेयर ट्रस्ट बेंगलोर के ज़ेर एहतमाम जिसके बानी व सदर हैं पीरो मुर्शिद हजरत सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन तुरागी क़िबला मुत्तज़िलुल आलम अल क़ादरी अल चिश्ती सौरवर्दी शत्तारी बंदा नवाजी क़िबला मुत्तज़िलुल आलम जिनकी निगरानी में 26 लोगों के साथ वो अपनी मुरीदीन और मुंतखबीन के साथ बेंगलुरु से यहाँ अपनी दूर अजमेर शरीफ तशरीफ लाकर इन्होंने बहुत ही मुक़द्दस मकाम पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आहते नूर में आज का ये प्रोग्राम जश्न हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और कुलहीन नातिया मनखबती मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया काबिले मुबारकबाद है क़िबला जो इतनी दूर से आकर ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं बल्कि मैं ये कहता चलूँ हजरत जो है सिर्फ उर्दू और मजहबी
खिदमत अदबी खिदमत के अलावा समाजी खिदमत भी वो करते हैं। बेंगलुरु शहर ही नहीं बल्कि हैदराबाद में भी वो मुशायरे मुनाकिद करते हैं और बेंगलुरु में सरकारी मदारिस में जो है गरीब तुलबा के लिए किताबें फराहम करते हैं, यूनिफॉर्म फराहम करते हैं और सेहत के लिए जो है सेहत के लिए कैंप मुनाकिद करते हैं, फ्री हेल्थ कैंप होता है उसमें मुफ्त में दवाएं दी जाती है। इसके अलावा भी जो है सरकारी दवाखानों में जो गरीब पेशेंट ज़ेरे इलाज होते हैं उनके साथ जो अटेंडेंस होते हैं उनके लिए भी आप जो है कई तरह से खिदमत अंजाम देते हैं, दूध ब्रेड दवाएं बिस्किट के अलावा कंबल जो जो मुमकिन हो सके। सिर्फ ऐसे नहीं कि दो चार दस पीस दे के नाम कमाने के लिए कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, मैं खुद जानता हूं, मैंने इसका मुशाहिदा किया है। तमिल करों के ट्रकों में भरकर वो मदद गरीबों की करते आ रहे हैं। और इसके अलावा आज के इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये भी रही कि उस्तादुन शोरा बदायूं से वो आए हैं, तशरीफ लाए हैं जनाब खालिद नदीम बदायूनी साहब जो कि उस्तादी शोरा है, उनकी चार खानखानों पे मुश्तमिल एक किताब जो बहुत ही काबिल मुबारकबाद है वो शिजरे तैयबा के आज रस्म इजरा अमल में आई। और आज के इस तकरीब के सरपरस्त रहे मोहतरम जनाब सज्जादा सैयद अफसर पाशा साहब नवाजी खिबला मदजुलवाली और निगरानी फरमाई हमारे सैयद पीरो मुर्शिद सैयद शाह जैनुल आबिदीन तुरावी साहब ने। और आज का प्रोग्राम बहुत ही काबिल प्रोग्राम रहा, बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा, बहुत ही मेरे पास अल्फाज नहीं है, इतना अच्छा प्रोग्राम रहा जो ख्वाजा गरीब नवाज की बरकतों का नुजूल यहाँ पर रहा, बहुत ही पुरनूर महफिल रही। मैं अतीफ एजाज तुरावी खादरी सुतारी सरवर्दी हैदराबाद से आपके खिदमत में हाजिर हूँ। हाजिर इसलिए हुआ हूँ कि आज जो हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में अहाता नूर में जो मनखबती मुकदस व मुतबर्रिक मुशायरा मुनक़िद किया गया उसके महरिक हजरत क़िबला सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला इस तरह हैं कि वो शहर बेंगलुरु से 26 लोगों का काफिला लेकर के अजमेर शरीफ की सरजमीन पे हाजिर हुए और लगातार रोज़े अक़दस पे हाजिरियाँ देते रहे। फिर उसके बाद ये हुआ कि सज्जादा नशीन पीर सैयद अफसर चिश्ती नियाजी साहब क़िबला बाग शाही नियाजी दरगाह शरीफ मोती कोटला अजमेर शरीफ हमारे रहनुमा और रहबर बने और उनकी काविशों से कोशिशों से बारगाह के बिल्कुल रूबरू अहाते नूर में जो मुशायरा मुनक़िद किया गया, यकीन मानिए मैंने हिंदुस्तान की हर रियासत में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। आज जो कुछ मैंने महसूस किया उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आज हर लम्हा लम्हा जो रहमत नुज़ूल में इजाफा हो रहा था उसको मेरी रूह महसूस कर रही थी, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। इनके बारे में एक बात और बताता चलूँ कि जो वो शख्सियत है जो खानकाह तुरादिया के शिविरों को अपने क़ुव्वत अशार की ताकत पर बलबूते पर उसको मंजूम भी किया है, उस किताब की आज रस्म इजराई अमल में आई। मैं अतीब एजाज, मेरा ताल्लुक भी हैदराबाद से है, मैं छोटा मोटा शायर हूँ, उर्दू अदब का तालिब इल्म हूँ। आप जैसे बड़े लोगों के सबक में रहने का उठूँगा बैठूँगा तो कुछ सीख लूँगा, बल्कि आप सब मुझे अपनी दुआओं से नवाजिएगा, जो है शुक्रिया, चिंता करें।